Hello everyone, welcome to Budapest. और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो वेलकम, आई होप आपको मेरा चैनल अच्छा लगे। वेलकम बैक। तो आज है डे टू और आपको मेरे कपड़े देख के पता चल ही गए हो कि दूसरा दिन है। तो आप यहाँ पे कितना भी रेडी हो लो, कितना भी क्यूट बन लो, अल्टीमेटली जैकेट पहनना होता है क्योंकि बाहर बहुत ठंडा है। लेकिन गुड न्यूज इज आज बारिश की कोई प्रेडिक्शन नहीं है, पूरा दिन आसमान सनी रहेगा। तो हम जल्दी से जैकेट पहन के हॉस्टल से निकलते हैं। तो हॉस्टल से बाहर निकलते ही ये चौक टाइप का एरिया है और आगे आप देख रहे हो कि ट्रैम जा रही है। तो वहीं से मैंने ट्रैम लिया और अभी मैं ट्रैम के अंदर हूँ। और मेरे हॉस्टल के सामने ही ये संडे मार्केट है, इसमें बहुत सारे शॉप्स हैं। मैं शाम को गई थी तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और ये है ज्यूइश सेमेट्री। यहाँ पे पहले जाना अलाउ था लेकिन अभी इसको बंद कर दिया है। और इसी के बाद गई मैं कारावैन और यहाँ पे ब्रेकफास्ट खाने। ये कारावैन बहुत सारे शॉप साथ में है लेकिन मुझे यहाँ पे ट्राई करना था लंगूस, जो कि यहाँ का लोकल ब्रेकफास्ट है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे टाइप के लंगूस मिल जाएंगे लेकिन मैंने क्लासिक वाला लिया और इसको शायद उन्होंने 5 या 10 मिनट में मुझे बना के दे दिया। तो अभी जो हमने खाया उसका नाम है लंगूस और वो हंगरी का ट्रेडिशनल फूड है और वो इतना ज़्यादा हैवी था। तो आप सोचो, एक नान लो, नान को तेल में फ्राई करो, उसके ऊपर दही लगाओ और भर के चीज़ डाल दो, तो वो जो बनेगा वो एक्चुअली लंगूस है। तो दही नहीं, लो सावर क्रीम डालते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा हैवी था कि मैं ख़त्म ही नहीं कर पाई। मैं ऐसे 60% खा के फिर मैंने फेंक दिया, मेरे साथ खाया नहीं गया। इतना, एक तो इतना बड़ा ब्रेड, वो ऊपर से तेल में तला हुआ, उसके ऊपर वो चीज़ से भरा हुआ। तो लगभग 30 मिनट्स हाइक करके मैं पहुंच गई गेलर हिल के टॉप में और यहाँ से ये व्यू काफ़ी ज़्यादा एपिक है। लेकिन पीछे क्या है वो पता नहीं चला क्योंकि पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लेकिन ये हाइक लगभग 30 से 40 मिनट का था, मतलब मैं चढ़ती गई और बहुत बाद जाके मुझे इसका टॉप मिला है। तो ये जो दूर में आपको ग्रीन कलर का डोम दिख रहा है वो है बुदा कैसल और वही है हमारा नेक्स्ट स्टॉप। मेरे पीछे बुदा कैसल। तो बुदा कैसल हंगरी की हिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ के जो पहले के राजा रानी थे वो यहीं पे रहते थे। लेकिन बुदा कैसल अराउंड 13th century में बन चुका था और लेकिन उसके बाद उन्होंने 18th century तक इसके एरिया को ये लोग बढ़ाते रहे। ये जिस हिल पे बना है उसे बोलते हैं बुदा हिल। तो मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग है ये है बुदा कैसल और यहाँ पे सारे लोग ऐसे आस पास टहल रहे हैं, कोई कैसल के अंदर नहीं जा रहा। तो पता नहीं कैसल के अंदर कोई जाता भी है कि इसको बंद करके रखा हुआ है और लोग ऐसे यहाँ पे घूमते फिरते रहते हैं बाहर। तो कैसल के अंदर कोई आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है और इसीलिए शायद लोग ज्यादा नहीं जा रहे हैं। तो मुझे साइड से एंट्रेंस दिख गया जहां से शायद कैसल का जो बीच का सेंटर एरिया है वहां पे जा सकते हैं।
कैसल के अंदर ही एक फाउंटेन था और ये फाउंटेन वहाँ पे बहुत फेमस है और यहाँ के जो पूल में आप पैसे फेंक के कुछ विश कर सकते हो। मैंने भी वो चीज़ किया था लेकिन उसका वीडियो नहीं है मेरे पास। तो इस कैसल से भी एक व्यू पॉइंट है। तो ये बुदापेस्ट का हिस्ट्री म्यूज़ियम है और इसमें अभी एग्जीबिशन भी चल रहे हैं तो मैं इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन अभी मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं हॉस्टल जाऊँ, एक दो घंटा रेस्ट लूँ, फिर मैं शाम के 4-5 बजे फिर से निकलूँगी और बाकी जो सारी चीज़ें बची है देखने की वो भी देखी। तो हंगरी में भी नेदरलैंड और यूके जैसा राजा रानी वाला कल्चर है और यहाँ के जो राजा रानी थे पहले वो इसी कैसल में रहते थे और इसको आप किंग्स पैलेस भी बोल सकते हो। तो इसका नाम है बुदा पैलेस और ये जिस हिल पे बना है इसको बोलते हैं बुदा हिल। तो क्विक नैप लेने के बाद हम निकल रहे हैं हॉस्टल से बाहर और हम सबसे पहले जाएंगे हीरो स्क्वायर जिसमें हंगरी के फाउंडिंग फादर्स का स्टैचूज बने हुए हैं। सेम आउटफिट। तो ये जो स्टैचू है ये हंगरी के फाउंडिंग फादर्स की है, तो इन्होंने ही हंगरी कंट्री को बनाया था और इसीलिए उनके रिस्पेक्ट में ये पूरा स्क्वायर बना हुआ है और स्क्वायर का नाम है इसीलिए हीरो स्क्वायर क्योंकि इनको हंगरी में हीरो माना जाता है। एक सेंट्रल में घोड़े के साथ यहाँ पे बहुत सारे स्टैचूज हैं और दोनों साइड ये 7 फाउंडिंग फादर्स के स्टैचूज हैं। तो इतना ज़्यादा स्पेस है हीरो स्क्वायर में। तो अभी हम जा रहे हैं कर्ली स्ट्रीट और ये जगह हीरो स्क्वायर से शायद बस 800 या 900 मीटर की दूरी पे है, लेकिन क्योंकि मेरे पास अनलिमिटेड बस पास है तो मैं अभी आधा आधा किलोमीटर के लिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रही हूँ। बुदापेस्ट कितना ज़्यादा खूबसूरत है और ये देख के आपको शायद लगेगा एक झलक से कि थोड़ा थोड़ा एम्स्टर्डम वाइब है क्योंकि बिल्डिंग्स बहुत पुरानी है, लेकिन ये बिल्कुल एम्स्टर्डम जैसा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अलग है और ये बहुत प्यारा है। तो ये स्टेप्स ले रही हूँ मैं चीन बीच के पैरेलल लिबर्टी बीच में और यहाँ से सनसेट बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं वैसे थोड़ा सा लेट हो गई, मैं जब तक आई तब तक ऑरेंज स्काई नहीं था। सो इसी ब्रिज से मुझे दिख रहा था पार्लियामेंट बिल्डिंग और एवरीडे रात होने के बाद ये लोग पार्लियामेंट बिल्डिंग में लाइट्स ऑन कर देते हैं तो पार्लियामेंट बिल्डिंग में पूरी दिवाली टाइप की लाइट छा जाती है। अगर आप कभी बुदापेस्ट जाओ तो ये पार्लियामेंट बिल्डिंग रात को देखना बिल्कुल मत भूलना। तो इसी के साथ करती हूँ मैं इस वीडियो को ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।